हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक और प्यारा सा व्लॉग। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखें। ब्लॉग को एंड तक क्या देखना है आज? तो मतलब हम लोग मैं क्या मैं क्रिकेट भी खेलने जाऊंगा, तो सोनिया घर पे रहेगी अकेली आज। और थोड़ा के मतलब क्या बोलते हैं, फोन में लेके जाऊंगा, मेरे को थोड़ा काम भी है इस चक्कर से। तो आज हम लोग जो टॉप 5 कमेंट्स है उनका जवाब देने वाले हैं, और जिन जिन भाइयों ने कमेंट्स किए उनका नाम भी लेने वाले हैं। तो शुरू करें करें हाँ करें करो। तो पहली कमेंट है अमर भाई, मतलब यूट्यूब चैनल का नाम उनका अमर। दीपक भैया, अपने चैनल का बढ़िया सा नाम रखो, अब जैसे विलेज टूरिज्म, लवली फैमिली, दीपक सोनिया ब्लॉग्स, माय विलेज। तो आप लोगों से हमारा भी क्वेश्चन है कि क्या हम लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना चाहिए? अगर हाँ चेंज करना चाहिए तो क्या रखना चाहिए? क्योंकि स्टार्टिंग से पता है, मतलब हम लोगों ने जो इंस्टाग्राम, मतलब हमारी जो जर्नी स्टार्ट की थी हमने टिकटॉक पे, तो वहाँ से तो हम लोगों ने नाम रखा था दीपक सोनिया 07। फिर इंस्टाग्राम पे भी दीपक सोनिया 07 से थे, फिर मैंने इनका अलग अकाउंट बना दिया था सोनिया मीणा 07 करके। तो इनका मतलब अलग था, मेरा अलग हाँ, था। मतलब इनका ही था वो पहले, जो अभी मैं यूज़ करता हूँ। तो मेरे वाले अकाउंट का नाम है दीपक सोनिया 07 और इनका है सोनिया मीणा 07। तो मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है कि नाम, फिर भी आप लोग एक बार कमेंट्स में बताना, अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे यस और नो का जवाब देना सब लोग, क्या हमें यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो चेंज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो जवाब देना आप लोग खाली। तो हो गया पहला क्लियर, अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल है कि राहुल कौन है और आपके क्या लगते हैं, और ये सवाल किया है आजाद, आजाद कुमारी, आजादी कुमारी, क्या पता क्या नाम है। अब आप तो उल्टा दिखेगा इधर फ्रंट से, तो कोई बात नहीं है। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको कि जो राहुल है वो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, आशा दीदी, जो पीयू की मम्मी है, उससे जो छोटी वाली सिस्टर है प्रेम दीदी, तो उनका लड़का है और मेरा भांजा लगता है। तो अभी उसकी क्या है, मतलब छुट्टियां चल रही है तो यहीं रुका हुआ है, और एक्चुअली उसको क्या है ननिहाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो ननिहाल ही रहता है। कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता उसका, और उसको सबसे बड़ा शौक उसका ये है कि इसको घूमने फिरने का शौक ज़्यादा है, और तो क्या है, और इसीलिए वो इनके साथ रहता है, क्योंकि ये भी एक दिन भी घर पे नहीं टिकते। ट्रैक्टर ट्रैक्टर भी दौड़ा था बस, बहुत जोरदार, पहले देखा होगा आपने पहले व्लॉग में। देखा होगा ब्लॉक के अंदर, वहाँ पीछे जब वो मिट्टी फैला रहे थे, लेवल कर रहे थे, तब देखा होगा आपने। तो जो तीसरा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है ऐसा? है, नेहा शर्मा की ने एक क्वेश्चन किया है कि दीपक भैया आप जॉब नहीं करते क्या, ना ही आकाश भैया करते हैं? तो मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूँ कि नेहा जी, मैं मतलब अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, और मेरा जो मतलब अभी अगर मैं क्या बोलते हैं यार, अभी मेरा बीएड में भी आ गया था वो, जो आप लोगों को पता होगा। तो मैंने बीएड में ही की, और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैंने बीए कंप्लीट की हुई है इंग्लिश लिटरेचर से। और एक्चुअली अभी मैं प्रेजेंट टाइम में कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो छोटा मोटा काम क्रिकेट खेलने का वो काम कर रहा हूँ मैं, और अभी भी खेलने जा रहा हूँ। इस चक्कर से आज ये जल्दी व्लॉग आ रहा है, आप मतलब जल्दी का ये एक जगह का ये व्लॉग आ रहा है, पूरा कुछ नहीं दिखा पाएंगे आज हम लोग। तो यही है। और आकाश भाई पहले जॉब करते थे वो, लेकिन अभी कुछ जब वो देवली आए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दी, तो
ऐसी कोई बात नहीं है, और सोनिया का हाथ कर रहा है दर्द और ऐसे कर रखा है। आवाज़ लड्डू लड्डू ना के आ चुकी है आज। आज लड्डू ने बहुत सारी मस्ती की सुबह सुबह और मस्ती करती करती सो भी गई, पता भी नहीं था मैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, तो मैं भाई का नाम ले रहा हूँ, प्रवीण मीना 07, जो आपने देखा होगा कि वो आए थे एक दिन घर पे, हमने ब्लॉग में भी लिया था। तो वो तो ये मान लो कि हर बात पे कमेंट्स करते रहते हैं, मतलब हर वीडियो में। उन्होंने कमेंट किया है कि सोनिया मेरा क्या, मतलब सोनिया को मेरे थोड़ी लड़ाई हो गई थी, तो सोनिया मेरे को ये बोल रही थी पबजी के लिए, बोल रही थी कि पबजी खेलते हो ये वो। तो उन्होंने कमेंट किया, आ तो दीदू ने सुना ही दिया, दीपू भैया पबजी खेलते हो आखिर रात। सही है। और फिर एक भाई ने मतलब इसी का जवाब देते हुए कहा है कि दीपक भाई की रोटी मत चोपड़ो, यही सजा दो। मतलब इनका पनिशमेंट देने के लिए इनकी रोटी पे घी मत लगाओ। तो अब जो कमेंट है वो एक भाई का है, एक पूरा हो गया कमेंट, राहुल को बता दिया। ये कमेंट है हमारे पास ही के, मतलब हमारे पास में ये इनका गाँव है भाई का। भाई आपने ब्लॉग में बोला था कि जैसे मकान बन जाएगा उसके बाद आप अपने ब्लॉग के अंदर सौरभ जोशी से मिलवाएंगे, और आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया, तो दीपक भाई जल्दी से मिलवाओ ब्रो, हम अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखे। मैं बिट्टू से नहीं देवली का हूँ। तो बिट्टू भाई आपको मैं ये बता देता हूँ कि अभी जो मतलब हम लोगों का उनसे कॉन्टेक्ट हो नहीं पाया है। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भी किए हैं और जो उनके जानकार हैं उनसे भी बात की है, तो ऐसे तो हो गई बात। बाकी अभी थोड़ा और मतलब कुछ दिन और रुकना पड़ेगा हमें, कुछ दिन रुकने के बाद फिर निकलेंगे हम, तब आपको सबसे मिलाएंगे, सौरभ भाई से, सबसे सौरभ भाई से, खुशी दीदी से, और भी जो भी क्रिएटर होंगे उन सबसे मिलाएंगे, अरमान मलिक से, पायल दीदी से। और आप जानते हो उनको, कृतिका दीदी, पायल दीदी, इन सबसे मिलवाएंगे आपको। और कुछ ही नहीं है, और कुछ नहीं है, बंद करें एक बार। लड्डू, ओए लड्डू, लड्डू लड्डू, पड़ जाओ पड़ जाओ पड़ जाओ, लड्डू बेटा, ओए लड्डू लड्डू, अतरी आवाज दी आवाज में जाती जी, तू एटीट्यूड है छोरी में, मामी एक का जड़ ओ बेटा, ओ बेटा, ओ लड्डू, ओ बेटू बेटू, ओ बेटू, ओ बेटू, ओ बेटू, क्या क्या क्या। तो ये थे टॉप 5 कमेंट्स जो भाइयों ने किए थे। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखे, और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। जो भाई अच्छे अच्छे कमेंट्स करेगा नेक्स्ट वीक उन भाइयों का नाम आएगा। तो ये पता है आप लोगों ने नोटिस की होगी कि हम व्लॉग में हर बात में तो गाइस तो खाना खा रहे हैं तो ये तो वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, तो पता ही नहीं। हे गाइस, हे गाइस, ये कर दी है गाइस, हे गाइस, क्यों व्लॉग बनाते हैं। और सोनिया को बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं देखो आजकल, स्काई 247 की तरफ से ये, और इधर वो पड़ा हुआ था ना कप, कप कप टूट गया लेकिन जिसका इसका ही निकाल दिया इन्होंने, तोड़ दिया इसको, और इसमें रखा हुआ है तोड़ गया, टूटा है। हाँ तो ठीक है गाइस, फिर करते हैं बातें, मैं जा रहा हूँ अभी खेलने,
तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय।